एनटीपीसी के सामुदायिक विकास योजनाओं के अंतर्गत उत्कर्ष मेधावी छात्रवृत्ति उन छात्र छात्राओं को दिया जाता है जो कि अपने 10वीं और 12वीं परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं। उत्कर्ष छात्रवृत्ति का उद्देश्य समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्गों से आने वाली योग्य छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना है और छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना है। ये लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने में माता पिता के योगदानों को भी पहचानती है। एनटीपीसी बरौनी के 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष 2022 में 22 स्कूलों से आने वाले 96 स्कूल छात्र छात्राओं को उत्कर्ष मेधावी छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। एनटीपीसी बरौनी अपने सामुदायिक विकास गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षा के प्रति विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। हम ये गर्व है कि हम ये कह सकते हैं कि हर चौथा बल्ब जो इंडिया में चलता है वो एनटीपीसी के पावर से चलता है। शिक्षा क्षेत्र से एनटीपीसी का विशेष अनुराग रहा है। इसका कारण यह है कि शिक्षा में निवेश देश के भविष्य में निवेश है। इसी दिशा में आज का यह कार्यक्रम भी बच्चों की मेधा को पहचान देने का एक कार्यक्रम है जिसमें 22 स्कूलों के क्लास 10th और 12th उत्तीर्ण 96 बच्चों को स्कॉलरशिप का वितरण किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि इस प्रकार के योजनाओं से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वे भविष्य में और बेहतर करने को प्रेरित होंगे। मैंने मैट्रिक की परीक्षा में 91.6% लाकर अपने विद्यालय का, अपने शिक्षक और अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाया है और आज मैं यहाँ डीएम सर से सम्मानित होकर बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मैं स्पेशल थैंक करना चाहूँगी एनटीपीसी उत्कर्ष बरौनी को जिन्होंने हमें यह सम्मान, यह अपॉर्चुनिटी दिया कि यहाँ पर आके हमें सम्मानित करवाया डीएम सर से। थैंक यू। जिससे हम सभी को एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी लाइफ में कुछ आगे कर सके। हमें यहाँ आके बहुत खुशी हुई क्योंकि यह हमारे जिले में सिर्फ यहीं एक अवस्थित है एनटीपीसी और हमें मतलब लाइफ में आगे कुछ करने के लिए यह सपोर्ट बहुत कर सकते हैं। मेरे कुछ बच्चे आ रहे हैं और पिछले साल भी इन्होंने हमारे बच्चों को इस प्रोग्राम के तहत, स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत दिया था प्राइज, और प्राइज में कुछ मनी मिलती है। निसंदेह बच्चे पढ़ते तो हैं ही और हमारे बच्चे मानकर चलें कि अंडर प्रिविलेज सिचुएशन से होते हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा कमतर होता है, तो ऐसे में ऐसे प्रोग्राम्स एज ए टीचर हम फील कर रहे हैं कि बहुत ही ज़रूरी है और कहीं ना कहीं इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं एनटीपीसी का पूरा जो ये सिस्टम है वो। और मैं चाहूँगी कि ऐसा प्रोग्राम चलता रहे जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले और वो निरंतर एग्जाम्स में अच्छे करें और एनटीपीसी का इस प्रोग्राम के तहत, उत्कर्ष योजना के तहत जो ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये योजना चलती रहे। धन्यवाद। एनटीपीसी का जो योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में रहा है वो अद्वितीय रहा है। पिछले 47 सालों से लगातार एनटीपीसी इस देश को कैसे ऊर्जान्वित कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का दिन प्रतिदिन जिस तरीके से रोशनी से बढ़ रहा है और एक तरफ जहां हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में दूसरों पर निर्भर थे, आज हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देश को आगे बढ़ाने का बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। और अनेक राज्यों में, लगभग देश के सभी राज्यों में, अपने बिहार राज्य में भी 5 से 6 यूनिट इनके लगातार चल रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि एनटीपीसी बरौनी से जो भी ऊर्जा निकलती है ये हम लोग के राज्य को रोशन करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में ये कार्य कर रहे हैं वहाँ के लोकल लोगों को आगे ले जाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी CSR के माध्यम से कई कार्य किए जा रहे हैं। उसी श्रेणी में आज का जो कार्यक्रम किया गया है इसके लिए मैं पूरे प्लांट को और टीम को, खासतौर से परियोजना प्रमुख महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। एनटीपीसी को भी बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको ये सहायता प्रदान करते हैं ताकि वह रुपया के वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर, मतलब जो कर नहीं पाते हैं उनके लिए यह बहुत ही बेहतर सुविधा ला कर देते हैं। कितने स्कूलों में ये बेंच लगवाते हैं, वह अनेक संसाधन जो कमी होती है वे सभी की पूर्ति कराते हैं और इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी कमाई प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ये सब दौलत से अच्छे हैं। खुशी की बात है कि एनटीपीसी ने अपने सामाजिक दायित्व के तहत इसे पहचाना, रेखांकित किया और यह अन्य
कॉर्पोरेट्स के लिए उदाहरण बनेगा, ऐसी उम्मीद है। हमारे बच्चे वंचित समाज से आते हैं, छोटी सी भी सहायता उनके लिए बड़ी मायने रखती है, बहुत बड़ी बात है। और अगर इसी तरह से सहयोग मिले बच्चों को, विद्यालय को, तो निश्चय ही हमारा बिहार शिक्षा के क्षेत्र में और नए मुकाम को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे यह अवसर मिला कि मैं यहाँ पे आकर स्टेज पे मतलब NTPC की तरफ से DM सर से ये प्राइज ले सकी हूँ। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जितने भी मेरे सहपाठी हैं या फिर जो जूनियर हैं जो नहीं आ सके हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भी बहुत मेहनत करें और मेहनत के बल पर ही वो इस मुकाम पर पहुँच सकते हैं और वो भी यहाँ पे आके मतलब प्राइज़ ले सकते हैं। और मैं यह भी कहना चाहूँगी कि मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, स्पेशली मेरे पापा का इसमें, तो मैं अपने पापा को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं और जितने भी अभिभावक जो ये देख रहे हैं वीडियो, उसको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप अपनी बेटियों को बचाइए और उन्हें आगे बढ़ाइए, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। NTPC के सौजन्य से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और ख़ासतौर से शिक्षा विभाग में जिन लोगों का लगातार CSR फंडिंग से जो लगातार प्रयास चल रहा है, उसका बहुत ही अच्छा बेगूसराय जिला में देखने को मिल रहा है। और आज का खासतौर से जो 96 बच्चों को जो पुरस्कृत किया गया है, प्राइज दिया गया और खास स्कॉलरशिप जो दिया गया, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। इससे बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और ख़ासतौर से विद्यालय प्रांगण में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके बेंच डेस्क में और भी स्मार्ट क्लासेज में इनकी जो प्रयास चल रही है वो बिल्कुल सराहनीय है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। NTPC बरौनी निर्बाध विद्युत उत्पादन के साथ सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग है। देश की विकास गाथा को न सिर्फ बिजली उत्पादन से बल्कि समुदाय एवं समाज के उत्थान से रोशन करने की ओर प्रतिबद्ध है NTPC लिमिटेड।